क्या नाम है? कशान अहमद उर्फ शानी। क्या करते हो? सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। ट्यूशन पढ़ाते हो, कहाँ पर? मैं सर प्राइवेट होम ट्यूशन वगैरह। घर कहाँ पर है? घर मेरा शादबाग में। शादबाग में रहते हो जी? अच्छा, तो फिर ऐसी कैसी कंपनी थी जो आपको क्रिमिनल बनाने में मददगार साबित हुई? किसने आपका साथ दिया और फिर आपने कत्लोगारत के वाक्यात में मुलविस पाए गए? सर मैं वहाँ पे एक है शख्स वहाँ पे रहता चार मीरा में, लाला शबाज। मैं उसके घर पे जो उनसे है ना उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, और वहाँ पे जो उनसे फिर उसने मुझे देखा, वहाँ पे उसने मुझे अपने साथ अटैच कर लिया। मतलब उसका ड्राइविंग करने लग गया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गया, तो उसके साथ अटैच हो गया। तो फिर कुछ ऐसा वहाँ पर रहा, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। किसके बच्चों को पढ़ाते थे? वहाँ पर लाला शबाज के बच्चों को। लाला शबाज के बच्चों को पढ़ाते थे? ठीक है, तो फिर आपने उसके साथ ड्राइविंग शुरू कर दी? जी, ड्राइविंग उसने ड्राइविंग में साथ रख लिया मुझे। कितने पैसे देते? वो ड्राइविंग था 22,000 रुपये था मुझे। 22,000 रुपये मिलता था। तो फिर ड्राइविंग के साथ साथ आपको और क्या टारगेट दिए उसे? उस को पहले मैं 2019 से अटैच था, कोई टारगेट नहीं दिया। अभी जो सा उसने मुझे ये काम बोला कि फरीद गुजर नामी शख्स है जो वहाँ पे बसामी रोड पे रहता है, तो उसका तुमने टारगेट करना है। तो मैंने उसके जो सा है ना, मैंने इन दोनों को अटैच किए, दो सात लोग खड़े मेरे, तो इन्होंने वहाँ पे जो सा है रैकी की। और एक दिन मौका ऐसा आया कि हमने वहाँ पहुँचे, देखे वहाँ पे वो निकला, गाड़ी पे सवार था, और मैंने फायर कर दिया। अच्छा, आपने फरीद गुजर को कत्ल किया है जी? पिस्तौल किसने दिए? लाला शबाज ने। वो तो बाहर होता है। उसने कहा था वहाँ जा कोई बंदा खड़ा होगा, उससे पिस्टल पकड़ लेना। कहाँ जाना था? सारा वाक्या बता, क्या हुआ था वहीं पर? जो चाह मेरा घर के पास जाना, वहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा, तुम्हें वो पिस्टल देगा, उसे रिसीव कर लेना, और बाद में काम के बाद फिर पिस्टल से वापस कर देना। अच्छा, तो कितने पैसे मिले कत्ल करने के? सर पैसे को उसने मुझे कहा था कि जो तू बोलेगा वैसे तो तेरे साथ हो जाएगा कोऑपरेट। अभी तक जो मुझे मिला वो 4.5 लाख मिला, वो भी 50,000 रुपये करके ऐसे मिले मुझे पैसे। फरीद गुजर को कत्ल करने के अब तक 4.5 लाख रुपए तुम वसूल कर चुके? जी जी बिल्कुल। और क्या कहा था उसने? उसके बाद सर ये जब मामला हो गया, तो उससे कुछ देर बाद जो उसने मुझे बोला कि तुम्हारी तफ्तीश जो सी है वो CIA शकील भट्ट साहब के पास चले गई है, मोहम्मद अली भट्ट साहब के पास चले गई है, तो तुम जो है इनकी रैकी करो और इनको भी टारगेट करो। तो हम जौन सा मैंने इसको बोला कि तुम जौन सा है वो देखो वहाँ पर, वो कहाँ पर जौन से सुबह टाइम जाते हैं वॉक करने, मैं घर देखने गया था और ये घर देखने गया था। क्या नाम है इसका? क्या नाम अहमद? ये सर ये भी उधर के रहने वाले, भगवानपुरा के रहने वाले, ये शादबा के रहने वाला है। अच्छा जी, इसका नाम अहमद है, इसका नाम यूसुफ है। आपने अपना आगे गैंग बना लिया? जी बिल्कुल। कितने पैसे दिए इसको? सर यूसुफ को फिलहाल जो लमसम 2 लाख रुपया दिया लमसम इसको। सर कुछ भी नहीं दिया सर, ये वैसे ही वैसे के साथ अपने बस लगा रहा, बस कुछ पैसे नहीं दिए इसको। कोई पैसे नहीं दिए? नहीं कुछ नहीं दिया इसको सर। बगैर पैसे के ये काम कर रहा है? ये सर वैसे ही लगा रहा है, ये इसको कोई इसने लालच नहीं की इस बात की। अच्छा, आप जब फरीद गुजर को कत्ल करने के बाद फरार कहाँ हुए? सर उसके बाद हम फरार कहीं नहीं, यहीं पर रहे लाहौर में रहे। ठीक है, ये मतलब कि मैं 7-8 दिन यहीं लाहौर में रहा, उसके बाद मैं तो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया आउट ऑफ सिटी, वहाँ से फिर वापस आ गया 5 दिनों बाद, फिर मैं लाहौर में रहा रमज़ान लाहौर में रहा मैं। CCTV मैं देख रहा हूँ फरीद गुजर की, ये नाजरीन भी विंडो में देख रहे हैं, उसमें आप पैदल जा रहे हो, बालों पे पोनी बांधी हुई है, ये हुलिया जो आपने अपनाया किससे मुतासिर थे? फिल्में देखते हो? नहीं सर फिल्में नहीं देखते सर, वैसे ही बस बाल लॉकडाउन में था तो ऐसा हुआ कि शॉप्स बंद थी, तो वो बस बाल बड़े होते होते गए, तो फिर वो मैं तो रोज़ाना कटिंग करा लेता, लेकिन सर वो बस कैप पहन रखते थे, वो बाल बड़े होते गए, तो फिर वो बदमाश लुक आनी चाहिए है सर, कह सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। कि मैं कहना चाह रहे हैं तू आप दस सर ठीक कह रहे हैं आप, को आप जिसने आपने कहा कि वो बदमाश लुक आनी चाहिए वो करना चाह रहे थे तू? जी बस बाल बड़े दाढ़ी बड़ी कर ली थी बस। अच्छा जी, तो फिर आपने जब फायर किया जी डर नहीं लगा? सर लगा डर सर, गुनाह हुआ बहुत बड़ा, गुनाह हुआ बहुत बड़ा गुनाह हुआ सर, बहुत करने से पहले नहीं सोच सर पहले भी आई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उस टाइम। पैसे नज़र आ रहे थे सर? वैसे भी थे और जान का खतरा भी था। पैसे भी आने थे और जान जाने का भी खतरा था, एक तरफ चीज़ आ रही है एक तरफ जा रही है, आपने पैसों को तरजीह दी अपनी जान को तरजीह नहीं दी और किसी एक इंसान की जान ले ली, बेशक कबीरा गुनाह हुआ ये। और कितने कत्ल किए हुए? कोई कत्ल नहीं किया सर, और कोई वारदातें कितनी की हुई हैं? डकैती ये वो? किसी को वारदात में मुलव्वस नहीं है, कोई 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 चक्कर नहीं है। पहली बार कत्ल किया? पहली बार फिर कत्ल हुआ है। इसके बाद फिर कत्लों गारे शुरू हो जाती है ना सर? तौबा, ना पकड़े जाते तो तौबा होनी थी ना? नहीं सर, ये पता था पकड़े जाना है, एक दिन पकड़े जाने, कत्ल कभी छुपता नहीं होता सर,
ये सारा आप पता है, आप टीचर हो और टीचर होने के नाते आपने अच्छी तरबियत करनी है माशरे की, आपने माशरे की तरबियत क्या करनी है, आप तो अपने आप को बिगाड़ने में कामयाब रहे जी। गलती हुई सर, बस ये बहुत बड़ा मतलब कि एक लाइलमी का मेरे गोलियां मारी थी फरीद गुजर को सर, तीन कहाँ मारी थी सर, गर्दन पे, गर्दन पे जी। कितने अरसे बाद फिर पुलिस ने आपको पकड़ा? मुझे सर पुलिस ने साहब तकरीबन दो माह बाद पकड़ा। कत्ल की वारदात के दो माह बाद, कत्ल की वारदात के दो माह बाद आपको CIA बाल्टन पुलिस ने पकड़ लिया? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से पकड़े सर? मैंने बाहर था रोड पे, तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे वहाँ पे स्नैच कर लिया। घर पे बच्चे हैं? नहीं सर, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, माँ बाप हैं? माँ है। माँ है, माँ के सर पे उनके शोहर का साया तो नहीं है, तो आपके सर पे बाप का भी साया नहीं है, तो आपने अपनी माँ को अब अकेले छोड़ दिया? सर तौबा करूँगा इस बात पे, अल्लाह पाक मुझे भी तौबा की तौफीक दे और उनको भी जौन सा है सब्र की तौफीक दे। क्या नाम है? यूसुफ। क्या नाम है? यूसुफ। आप क्या करते हैं? मैं बाइक पार्ट्स का काम करता हूँ। अच्छा जी, मोटर मैकेनिक? नहीं नहीं, बाइक पार्ट्स बनाता हूँ। बाइक पार्ट्स बनाते हो, ठीक है। कहाँ पर काम करते हो आप? 63 नंबर अड्डे, वो चाइना स्कीम 63 नंबर अड्डा है वहाँ पे, उसके पास चाइना स्कीम 63 नंबर का अड्डा है जी सर। अच्छा, तो फिर इसके साथ कैसे मिले, इसने क्या कहा आपको, क्या करना है, क्या टारगेट्स हैं, किस तरह उसे अचीव करना है? इसके साथ मेरा तल्लक जो है आज से कोई 2011-12 के राउंड बोर्ड का था, तब ये किस्तों वाली दुकान पे ना JB इलेक्ट्रॉनिक्स पे जॉब करता था मैनेजर की, तो मैं से इंस्टॉलमेंट पे एक बार दो बार चीज़ सामान वगैरह लिया हुआ था। उसके बाद जो है ना कभी ज़रूरत पड़ी इसे कॉन्टेक्ट करने की। ये लास्ट जनवरी में 25 जनवरी को मैंने इसे फ़ोन किया कि वहाँ पर एक बंदे के साथ ना मेरा थोड़ा सा पैसों का तनाज़ा था, तो मैंने कहा, मैं कहा यार आपके मोहल्ले में है, अगर आपकी मेहरबानी तरह से मेरा तनाज़ा हल करवा दो। इसे मुझे डाइयाँ वगैरह सामान वगैरह मुझे वहाँ से लेके दिया और मुझे मुझे कहता है कि आप ये काम किस तरह स्टार्ट करोगे। तो उसके बाद इसने इन्वेस्टमेंट का लालच दिया। पहले यही कहता रहा कि मैंने सिर्फ मिलना है फरीद गुज्जर से। इसके मर्डर से कुछ 4-5 दिन पहले इसने जो है मुझे इनके टोटल ब्रीफ किया कि मैंने उससे उसका मर्डर करना है। और उस दिन भी हम जो है जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो जस्ट एक राउंड लगाने के लिए गए थे, तो इसने मुझे पीछे खड़ा किया। आगे ये गया तो उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, इतनी देर बाद कोई 4-5-7 मिनट के तकरीबन राउंड बोर्ड टाइम था। इसके बाद जो है फायर की आवाज़ आई, 3 फायर हुए, तो ये मेरे पास से गली से भाग के जो है ना गली के अंदर गया, तो मैं इसे देख के जो है इसके पीछे फिर CCTV में आप भी नज़र आ रहे हो। हाँ जी, आपकी मोटरसाइकिल नज़र आ रही है, ये पैदल जा रहा है और आप मोटरसाइकिल जी जी सर CCTV में आप भी नज़र आ रहे हो, ये पैदल जा रहा है, आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, इकट्ठे क्यों नहीं गए? नहीं, मैं इससे फासले पे खड़ा हुआ था। फासले पे खड़ा हुआ था, उसने टारगेट अचीव करना था, फिर आपने उसको लेके फरार हो जाना था। हाँ जी, ऐसे ही था। ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। पिस्तौल जब इसको दी गई आप साथ थे? नहीं सर। नहीं सर।